Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Sangini and today's my video is how I managed my studies. बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन रहते थे कि हाउ आई मैनेज माई स्टडीज़, मैं अपनी स्टडी जो है उसे मैनेज नहीं कर पाती हूँ. स्कूल भी स्टार्ट हो चुके हैं, पढ़ाई भी स्टार्ट हो चुकी है, बट अभी तक मैंने स्टडी को मैनेज करना नहीं सीखा है. तो कोई बात नहीं, बहुत ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल सा आइडिया है. मेरे कुछ स्टेप्स हैं, अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से अपनी जो स्टडी है उसे मैनेज कर पाएंगे. तो फिर वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए फटाक से हमें अपने टॉपिक पे बात करते हैं. हमारा जो सबसे पहले से स्टार्ट करेंगे अपना स्टेप नंबर वन, बुक्स. बुक्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन सी बुक्स हमें परचेज़ करनी है. तो हमें NCERT बुक्स परचेज़ करनी है, या फिर आप परचेज़ कर सकते हैं अपने पास के बुक स्टोर से अपनी बुक्स को, या फिर आप उसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट से. ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम लोग आते हैं स्टेप नंबर टू पे. स्टेप नंबर टू में हम लोग जानेंगे सिलेबस के बारे में. हमें सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि कितने चैप्टर्स हैं हमारे सिलेबस में, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, हमारे एग्ज़ाम में कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है. इसके बारे में हमें सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, तो फिर आप उसे बुक्स से भी पता कर सकते हैं, अगर आपकी बुक्स के इंडेक्स में भी होता है. ठीक है, इंडेक्स में भी आपको दिख जाएगा, या फिर आप अपनी NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट से भी अपना जो सिलेबस है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, उस सिलेबस को आप अपना सिलेबस वाली जो एक कॉपी बना लीजिएगा, या फिर अपना एक पेज में सिलेबस नोट डाउन कर लीजिएगा. फिर उस सिलेबस को आप अपने स्टडी पॉइंट पे पेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी मेमोरी में लॉन्ग टर्म के लिए सेव कर सकते हैं. ठीक है, तो फिर इससे क्या होगा कि आप अपने मेमोरी में बहुत ही अच्छे से सेव कर पाएंगे. आपका जो दिमाग है, आपका दिमाग में सिलेबस को अच्छे से लर्न कर पाएगा और एग्ज़ाम में भी इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी. ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हमारे स्टेप नंबर जो थ्री है, टाइम टेबल. सबसे पहले तो हम लोगों ने बुक्स भी परचेस कर ली, सिलेबस के बारे में भी जानकारी हो गई, बट अभी तक टाइम टेबल नहीं बना है. तो कोई बात नहीं, टाइम टेबल बना लेते हैं. टाइम टेबल बहुत ही सिंपल है. आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं टाइम टेबल आपको बना के दूँगी, तो यार राइट, मैं आपको टाइम टेबल बना के दे दूँगी बहुत ही जल्दी से. मैं अपना एक टाइम टेबल वाला वीडियो अपलोड कर दूँगी, बट उससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी. मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपना टाइम टेबल खुद बनाइए. इससे क्या होगा कि आप अपना अगर टाइम टेबल खुद बनाएंगे तो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी होगी, आप खुद को और भी अच्छे से जानेंगे, और साथ ही साथ आप की जो मेमोरी है उसे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, आपकी ब्रेन डेवलपिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी. आप अपने आप को और भी अच्छे से जान पाएंगे कि आपको अंदर क्या क्या कमियाँ हैं, क्या और ज़्यादा सुधार करना है. और आज सभी बच्चों की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग होती है, क्या होती है, लर्निंग कैपेबिलिटी. सभी स्टूडेंट्स की लर्निंग कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, मेरी अलग है, आपकी अलग होगी. अगर मैं टाइम टेबल अगर आपको बना के दूंगी तो फिर क्या पता वो एक स्टूडेंट को सही हो, एक स्टूडेंट को ना सही हो, एक स्टूडेंट को पसंद पर वर्क करे, दूसरे स्टूडेंट पर ना वर्क करे, तो ये हो सकता है. इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपना खुद से बनाए टाइम टेबल, वो ज़्यादा परफेक्ट बनेगा. अगर मेरे अकॉर्डिंग रहेंगे तो फिर इतना परफेक्ट नहीं बनेगा. लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो बिल्कुल भी नहीं बना पाते हैं टाइम टेबल, उन्हें लगता है कि हम बना ही नहीं सकते. तो कोई बात नहीं, फिर मैं बना दूँगी. ठीक है, मैं बना दूँगी, आप लोग उस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, कर लेंगे तो आप लोग फॉलो. ओके, फिर ये मुद्दा तो सॉल्व कि टाइम टेबल कैसे बनाना है, इस तो समझ गए आप लोग. ठीक है, टाइम टेबल खुद भी बना सकते हैं आप लोग बहुत ही आसानी से, कि जो स्लॉट वाइज बना सकते हैं आप अपना टाइम टेबल, साथ ही साथ अपने टारगेट्स को सोच करके कि आपका क्या टारगेट है, कितना बड़ा गोल है, उस अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल बना सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं करना है कि गोल आपका जो टारगेट है वो बहुत बड़ा है, उसके लिए आपने बहुत ज़्यादा बहुत ही कम समय लिया है. जैसे कि कोई चैप्टर वन है आपका, बहुत बड़ा है, 3 आवर उसके लिए लगेंगे, बट आपने उसके लिए 1 आवर सेलेक्ट कर रखा है, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. आप अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाइएगा, क्योंकि अगर आप अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाएंगे तो उससे बहुत सारे बेनिफिट होंगे. आप डिमोटिवेट नहीं होंगे, उससे मोटिवेट रहेंगे हमेशा.
और ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो भी मेरा मानना है कि आप स्लॉट वाइज बनाइएगा। स्लॉट वाइज कैसे, कि आप एक स्लॉट बना कर वन स्लॉट बना लिया, टू आर गॉट एक स्लॉट बना लिया, इस तरह से स्लॉट्स कर सकते हैं। ठीक है, फिर और तो अपना टारगेट्स के अकॉर्डिंग भी टाइम टेबल बना सकते हैं। ठीक है, तो याले क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया होगा आपको कि हाउ आई मैनेज्ड माई स्टडीज़। बट एक क्वेश्चन और भी रहता है कि भाई बुक्स खरीद ली, सिलेबस के बारे में भी पता हो गया और साथ ही साथ हमें टाइम टेबल भी बना लिया, बट अब तो एक क्वेश्चन आ रहा दिमाग में कि पढ़ें कैसे, आखिर पढ़ना भी तो होता है एक तरह का क्वेश्चन कि पढ़ना कैसे। तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको इसके लिए 5 स्टेप्स हैं। अगर आप इन 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो मैं 100% गारंटी दे सकती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, अपना चैप्टर आप 100% कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। स्टेप नंबर 1 है रीड करिए, अपनी बुक है आपकी जो भी उसे रीड करिए, एक बार रीड करिए, इससे आपको क्या होगा 20-30% ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। जब रीडिंग करते हैं तो ऐसा तो 100% होता है कि उसमें कुछ तो ऐसा होता है जो पुराना वाला से रिलेट होता है, अगर ऐसा रहता ही हमेशा, जिससे कि आपके दिमाग में कुछ तो पल्ले पड़ेगा, पढ़ना ही होता है, हमेशा पल्ला पड़ता है। ठीक है, तो फिर आप उसे रीड करिए, उसे 20-30% ऐसे ही आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप स्टेप नंबर 2 फॉलो करिए। स्टेप नंबर 2 ये है कि आप YouTube की वीडियोस देख सकते हैं, अगर आप क्लास 10th में हैं या आप क्लास 9th में हैं और बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं उसमें बहुत सारे अच्छे से एक्सप्लेनेशन है, आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद YouTube की वीडियो देखनी है, YouTube की वीडियो कैसे देखनी है, साथ ही साथ नोट्स बनाते बनाते। ठीक है, नोट्स अगर आप खुद के बनाएंगे ना तो उससे ज़्यादा और भी चैप्टर क्लियर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको स्टेप नंबर 3 फॉलो करना है। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में आपको बुक को दोबारा से रीड करना है। देखो, पहले आपने रीड किया तो उससे क्या हुआ, 20-30% कंप्लीट हो गया चैप्टर। उसके बाद जब स्टेप नंबर 2 में आपने यूट्यूब की वीडियो देखी तो आपका 70-80% ऐसे ही क्लियर हो गया चैप्टर। फिर अगर आप स्टेप नंबर 3 में दोबारा से रीड करेंगे बुक को तो इससे क्या होगा, 80-90% आपका ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। फिर दोबारा से रीड करने में आपको और भी मज़ा आएगा, है ना। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप नंबर फोर में आपको क्या करना है, टीचिंग अदर्स का मतलब है कि आपको किसी दूसरे बच्चे को पढ़ाना है। दूसरे बच्चे यानी कि आप अपने भाई बहन को पढ़ा सकते हैं, आप अपने मम्मी पापा को पढ़ा सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को पढ़ा सकते हैं, जो बहुत ही वीक स्टूडेंट है या फिर कोई टॉप स्टूडेंट है उसको भी, किसी को भी आप पढ़ा सकते हैं। हाँ, अगर आपको दूसरों को पढ़ाना में थोड़ा सा हिचक हो रही हो, थोड़ा सा डर रहे हो, जैसे कि मैं भी थोड़ा बहुत ही डरती हूँ कि दूसरों को इस तरह से पढ़ाने में हिचकिचाहट होती है, डर होता है, तो कोई बात नहीं। पता है मैं क्या करती थी, मैं तो अपने सामने जो बोतल रखी होती थी पानी की, मैं उसको भी समझा देती थी। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप अपने रूम में आप अपनी पेंसिल को समझा सकते हैं, आप अपनी कॉपी को समझा सकते हैं, बहुत ही आसान है। आप अपने आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है, आप अपने सामने किसी भी कोई भी ऐसी थिंग रखिए जो नॉन लिविंग थिंग है उसे समझा सकते हैं। जैसे कि आपके सामने पानी का बॉटल रखिए, आप उसे समझा दीजिए कि भाई लाइफ प्रोसेस क्या होता है, लाइफ प्रोसेस के बारे में अगर आपने उसे समझाया, क्या पता उसको समझ में आ जाए और फिर वो आपको समझाने लगे, हो सकता है ना, हो भी सकता है। तो फिर ये तो प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ, एक पॉइंट और भी रह गया, स्टेप नंबर फाइव में मेरा है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले ये करता है, रेगुलर रिवीजन के साथ साथ डिसिप्लिन भी होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका चैप्टर अगर ये छूट गया ना तो आप 100% नहीं रहेगा आपका चैप्टर। आपको अगर 100% करना है ना तो फिर आपको रेगुलर रिवीजन करना पड़ेगा, रोज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर रेगुलर रिवीजन करने से क्या होगा कि आपका जो पुराना रह जाएगा थोड़ा सा भी अगर छूटा होगा कि हाँ दिमाग से थोड़ा बहुत चला गया बाहर तो फिर से वापस आ जाएगा।
अगर कोई भी टॉपिक थोड़ा सा भी आपके दिमाग से चला गया कि नहीं याद है तो फिर से आपका रिवाइज हो जाएगा। तो आपको रोज़ रोज़ रिवीजन करना है, रोज़ रोज़, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि एक दिन रिवीजन किया दूसरे दिन नहीं किया, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। रोज़ करिएगा रिवीजन, वो भी फुल डिसिप्लिन के साथ, ठीक है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। हाउ आई मैनेज्ड माय स्टडीज़, ये भी समझ में आ गया होगा कि कैसे मैनेज करना है, और साथ ही साथ मैं पढ़ाई कैसे करूँ या कैसे पढ़ना कैसे, इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल गया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप, मुझे लग रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपसे कैसे कहूँ कि आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो भी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही साथ कमेंट कर दीजिएगा अगर कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। बाय बाय।